किसी ने क्या खूब कहा है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 26 अगस्त दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपके भी कुंभ राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, साईनाथ महाराज का दिन है। दोस्तों कॉमेंट में ओम साईनाथ महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जिस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा साईनाथ महाराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 26 अगस्त 2021 दिन गुरुवार। आज की तिथि है चतुर्थी। आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:36 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:23 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 7:55 से सुबह 9:38 तक। दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है दोपहर 2:58 से दोपहर 3:50 तक। दोस्तों आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर है 1 और लकी कलर है पीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं मान सम्मान में कमी लाते हैं ये तीन काम कभी भूल कर भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति शास्त्र एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जीवन के कई पहलू से जुड़ी समस्याओं का हल बताया गया है। इसमें धन, तरक्की, विवाह, व्यापार, नौकरी, मित्रता और दुश्मनी समेत कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन काम को सही मंशा से ना किया जाए यानी जिसमें दूसरों का अहित छिपा होता है वो काम सही नहीं होता है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये तीन काम। नंबर 1, बुराई ना करें। झूठ ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते, ऐसे में एक दिन झूठ सामने आ ही जाता है। अगर आप किसी से झूठ बोलकर लाभ लेते हैं तो सच सामने आने पर आप अपना मान सम्मान खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। मान सम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए। नंबर 2, बुराई ना करें। चाणक्य जी कहते हैं कि अक्सर लोग आदतवश दूसरों में कमियां निकालते हैं, इसलिए ऐसे लोग जब भी किसी के साथ बैठते हैं तो दूसरों की बुराई करते हैं। ये लोग दूसरों की तरक्की और खुशियों से भी जलते हैं, ऐसे में ये दूसरों की बुराई कर उनका मान सम्मान गिराने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये ऐसा करके खुद का मान सम्मान ही कम करते हैं। नंबर 3, धन का गलत इस्तेमाल ना करें। चाणक्य जी कहते हैं कि धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर धन को गलत कामों में लगाएंगे तो एक दिन आपका अहित ही होगा। धन के गलत इस्तेमाल से एक दिन आप अपना मान सम्मान तक खो सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों, आप पिछले कुछ समय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज आप पर सबका ध्यान आएगा। लाइमलाइट आप पर रहेगी और आप आसानी से इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को साबित कर पाएंगे। या किसी नए दोस्त के मिलने, पुराने के सामने आने या कार्यस्थल के किसी स्थिति से संबंधित भी हो सकते हैं। दोस्तों आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाएं। आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता के चलते परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी चाहिए। इसमें बहुत मजा भी आएगा। घुड़सवारी या तैराकी आदि की योजना भी बना सकते हैं। इस मजेदार समय में प्रकृति के नजारों का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक हैं तो आज आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। हालांकि आपको जंक फूड खाने के मौके मिलेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जंक फूड खाने से बचें। आपने अपनी पिछली बुरी आदतों और लतों से छुटकारा पाने और स्वास्थ्यकर जीवन अपनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। आज किसी अस्थायी लालच के चक्कर में पड़कर अपनी उस मेहनत को बेकार ना करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपके दिल के चोरी होने की पूरी संभावना है, तो तैयार रहें जिंदगी के नए अनुभव के लिए जो आपको स्वप्न लोक में ले जाएगा। पार्टनर को खुश करने के लिए रोमांटिक गाना याद करना बिल्कुल ना भूलें।
क्लब या सोसाइटी में शामिल होकर नए अवसर प्राप्त होंगे। आप और आपका पार्टनर यह अच्छे से जानते हैं कि यह समय आपके लिए बेहद अच्छा है। आप आज किसी खास के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अगर ऐसा है तो अपने दिल की बात करने में देर ना करें। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें अपनाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा भी हो सकता है और आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके भविष्य की योजनाओं के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा। आज का परिश्रम आपको भविष्य में फल देगा। हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी ले लें। अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए गंभीर तौर पर प्रयास करें। आज धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जितना आपने सोचा है आपके दोस्त उससे ज्यादा मददगार साबित होंगे। आपका प्रिय आज कुछ खिंचा हुआ सा महसूस कर सकता है जो आपके दिमाग पर दबाव को और बढ़ा देगा। दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है उससे अच्छी बातचीत हो सकती है। वक्त की नजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना बेहद पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा। आपके सितारे बता रहे हैं कि किराएदार या अपने अधीनस्थ लोग से मेलजोल बढ़ाने के लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। अगर रिश्ता नया है तो इस राह पर धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। ऐसा करने से आप जल्द और अच्छे से एक दूसरे को जान पाएंगे। दुश्मनों से विवाद होने की भी आज आशंका है। आपकी सफलता आपके प्रेममय जीवन को भी प्रभावित करेगी और इससे आपकी जिंदगी सुखमय व उत्साहित होगी। अपनी विजय को अपने दिल के सबसे करीबी के साथ त्योहार की तरह मनाएं और अपने स्वीटहार्ट को धन्यवाद भी दें। अपने साथी के साथ खुद से भी मोहब्बत करें और अपने लिए भी कुछ समय निकालें। समय के साथ साथ आपकी सोच बेहतर होती जा रही है। आपके लगातार प्रयास आपको न केवल नौकरी में उन्नति दिलाएंगी बल्कि अपनी मेहनत का भी पूरा फल मिलेगा। दुश्मन और विवादों से आपका पाला पड़ता रहेगा लेकिन आपके मजबूत इरादे आपको आपके लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगे। आज का दिन शानदार है क्योंकि आपके जीवन का हर पहलू अब जगमगा रहा है। सफलता पाने के बाद भी विनम्र रहना ऐसा गुण है जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं। यह गुण आपको लोकप्रिय भी बनाएगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में विजय का योग है, इसलिए आगे बढ़ें और काम करें क्योंकि बिना मेहनत के सफलता पाना असंभव है। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। दोस्तों आज गुरुवार है, साईनाथ महाराज का दिन है। दोस्तों अगर आप घर पर रहकर सच्चे मन से साईनाथ महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो साईनाथ महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। रोज के कुंभ राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्ण।